वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगरवा क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम सहारनपुर के पर्यवेक्षण में प्रभारी कोतवाली नगर सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर के संजय जैन पुत्र गणपत राय निवासी कबाड़ी बाजार कक्कड़गंज थाना कोतवाली नगर सहारनपुर द्वारा सोने के जेवर बनाने के दिए जाने तथा बदनियत द्वारा वापस न किए जाने पर 18/9/2009 को अभियुक्त पुनरव सावंत पुत्र प्रफुल्ल सावंत निवासी कक्कड़गंज थाना कोतवाली नगर सहारनपुर मूल पता ग्राम नातिबपुर थाना खनाकुल जिला हुगली पश्चिम बंगाल के विरुद्ध पंजीकृत कराया था। तत्कालीन विवेचना द्वारा काफी तलाश किया परंतु दस्तयाब नहीं हुआ अभियुक्त उपरोक्त के गिरफ्तार लगातार फरार होने पर इसके विरुद्ध 50,000 रुपये का पुरस्कार घोषित हुआ जो वर्तमान में 25,000 रुपये माननीय न्यायालय से NBW प्राप्त कर अभियुक्त की लोकेशन पश्चिम बंगाल में होने पर तथा हाजा पर गठित पुलिस टीम अभियुक्त के मूल पते पर रवाना बंगाल पर रवाना किया गया है। आपको बता दें कि इस अभियान के तहत अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये पुलिस की एक बड़ी सफलता हाथ लगी है क्योंकि काफ़ी समय से अभियुक्त फरार चल रहा था, हालांकि उसे अब गिरफ्तार कर लिया गया। कोतवाली नगर सहारनपुर पुलिस की टीम ने एक इनामी 25,000 रुपये का इनामी पटना सावंत को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी महाराष्ट्र पालघर जिले से हुई है। यह जो अपराधी है प्रणव सावंत, ये 2009 से वांछित चल रहा था, तो आज करीब 14 साल बाद इसको कोतवाली नगर टीम ने पकड़ा है इसको। और ये काफ़ी टाइम से अपनी लोकेशन बदल रहा था, परमानेंट रेसिडेंट ये वेस्ट बंगाल का था। इतने टाइम से हमारे पास टिप मिल रही थी कि वेस्ट बंगाल में हुगली डिस्ट्रिक्ट में एक नाबितपुर गाँव है, वहाँ पर रह रहा है। इससे पहले भी एक बार टीम जा चुकी है, उस वो भी रेट अनसक्सेसफुल रही थी, क्योंकि इसको किसी जब भी हमारी टीम वेस्ट बंगाल पहुंचती थी इसको कहीं ना कहीं से खबर लगती थी और ये वहाँ से हट जाता था। लेकिन इस बार टीम परसिस्टेंटली इसके पीछे लगी रही। पहले वेस्ट बंगाल की जब हमारी रेड अनसक्सेसफुल हुई तो उसके पीछे हमने इसको मुंबई तक परस्यू किया, मुंबई तक चेस किया, और महाराष्ट्र पुलिस के अच्छे लोकल सपोर्ट की वजह रहते हुए यह टीम ने इसमें सफलता हासिल करी। किस चीज़ में वांछित ये 406 का मुकदमा था। ये बेसिकली एक जो नाबितपुर गांव है वेस्ट बंगाल का, वहाँ के कुछ लोग ये काम करते हैं ज्वेलरी का, कारीगरी का। तो यह जितने भी कोतवाली नगर में जितने वहाँ पे सराफे की दुकान थे उनसे ज्वेलरी सोना चांदी रॉ फॉर्म में लेते थे उस पर कारीगरी करने के लिए, और ये काफ़ी व्यापारियों से इसने सोना और चांदी ली थी और वहाँ से लेकर फरार हो गया। सर, पुलिस ने इतनी मेहनत करके इसको पकड़ा है, कोई रिवॉर्ड दिया? जी हाँ, मैंने जैसे बताया 25,000 रुपये का इनामी था और 25,000 जो रिवॉर्ड है वो टीम को मिलेगा। जी ठीक है।